हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए एपिसोड में, माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। बट आज मैं खेल रहा हूँ मॉडेड सर्वाइवल, और मुझे पता है कि मेरे दो सीरीज ऑलरेडी चालू है, जो कि है बॉन्ड सिटी एंड स्काई ब्लॉक। तो क्वेश्चन होगा दिमाग में, मैंने क्यों ये चालू किया। मैं इतना आलसी बंदा, एक तो ख़त्म करता नहीं हूँ, दूसरा तीसरा चालू करके बैठ जाता हूँ। बस बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि मैं कभी बोर ना हूँ। मेरा क्या है, बॉन्ड से तो कभी बोर नहीं होंगे, बट वहाँ पे ग्राइंड लगता है। स्काई ब्लॉक में कभी कभी बोर हो गए एक जगह खेलते खेलते, माइन करते करते, तो उसके लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो अब मेरी तीन सीरीज चलेगी और मैं तीनों को कंटिन्यू करूँगा। स्काई ब्लॉक भी धीरे धीरे कंटिन्यू होगा, और ये है मेरा मॉडर्न सर्वाइवल। ये आम सर्वाइवल से बिल्कुल भी अलग है, और इसमें कैसा होने वाला है कि यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें या तो जनरेशन वगैरह मिलेगा, मैं सीधा 1.16 का पूरा फ़ायदा उठाऊँगा। और होपफुली इसके अंदर मैं इन फ्यूचर न्यू टूल्स वगैरह या तो न्यू ओर्स वगैरह ये सब भी ऐड कर दूँ। अब वो मुझे नहीं पता मैं ऐड करूँगा या ना करूँगा, वो तो देखेंगे। अभी के लिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, प्लस दो तीन न्यू मॉब्स हैं, तो इन्हीं सबको एक्सप्लोर करेंगे हम ये पूरे के पूरे मॉडर्न सर्वाइवल सीरीज़ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं आगे न्यू वीडियो डाल रहा हूँ। और लाइक करना मत भूलना, और मुझे कहीं से ड्राउनेड का आवाज़ है, लॉल। ओके, ओ ओ एनिमी स्पॉटेड। सबसे पहला गाइस, आप मेरे साइड में देख सकते हो, ये जो है इसे कहते हैं पाम ट्री, जो नया जनरेशन है। कुछ भी न्यू लॉग वगैरह नहीं है, लेकिन न्यू जनरेशन है सिर्फ, और वो न्यू जनरेशन को अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले, सबसे हर सर्वाइवल सीरीज़ का काम होता है पेड़ काटना, और हमारा स्पॉन ही यही है, 710 और 1। ओके, हमें ये याद रखना है कभी भी कि हम कभी भी मर वर जाएंगे। और मॉडर्न सर्वाइवल हो या नॉर्मल सर्वाइवल हो, हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें वुल हमेशा चाहिए। यस, तो हमें इसे मारना होगा बड़ी ही बुरी तरीके से। दो तीन न्यू मॉब्स है, वो मेरे ख्याल से सिर्फ हॉस्टाइल मॉब्स है, और उसमें जनरेशन वगैरह भी है, न्यू बायोम्स है, न्यू ट्रीज है, लाइक दिस समथिंग समथिंग। और ये देख रहे हो पाम ट्री, और पाम ट्री के लिए कोई भी नया ब्लॉक ब्लॉक का यूज़ नहीं किया है, लॉग या तो ब्लॉक का कह लो, ये जंगल ही है, जंगल लॉग। तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ, इसे भी तोड़ लेते हैं, हाँ तोड़ ही लेते हैं। और अभी आगे चलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ढूंढते हैं। आज के लिए वीडियो में कुछ तो ढूंढना ही है यार, कुछ तो ढूंढना ही है। और जो भी इसका डाउनलोड लिंक होगा MCPDL पे, तो मैं मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जाके खेल सकते हो मेरे साथ साथ। और जो भी सीड है ये वर्ल्ड का, ये तो मैं नहीं देने वाला अभी। अबे साले, वैसे मुझे नहीं लगता आप में से हर किसी को पता होगा कि बेडरॉक में भी अब मॉड पैक्स बनना पॉसिबल है। उतने अच्छे से नहीं, जावा जैसा नहीं, बट बन सकते हैं। तो इसीलिए अभी नए नए एड ऑन्स बन रहे हैं और काफ़ी चीज़ें बन रही है। इन फ्यूचर हमें मॉड पैक्स देखने मिल सकते हैं बेडरॉक के, तो सब लोग तैयार रहना भाई साहब मॉड पैक के लिए। और अभी हमें पूरा माइनक्राफ्ट वाला पहले फीचर करना है, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। देखो वहाँ पे भी है पाम ट्री, मैंने कहा ना यार, ये पाम ट्रीज बड़े नॉर्मल है, बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। मैं आपको पूरा ये मेरे ख्याल से जब तक मैं खेलता रहूँगा ये सीरीज़, नेदर में भी है। और अगर इसके न्यू बिहेवियर पैक्स आते ना, तो हम उसे चेंज करके वर्ल्ड जनरेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये स्काई ब्लॉक की तरह कोई वर्ल्ड नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा, वर्ल्ड नहीं है तो जनरेशन हो सकता है कहीं पे भी कुछ भी। तो मैं इन फ्यूचर इसके अपडेट्स के साथ साथ मैं खेल सकता हूँ। और मेरा सीड बड़ा तगड़ा मिला है, क्या पता कैसे। और टर्टल, ओ माय गॉड, मुझे पता है नया नहीं है कोई, बट टर्टल काफ़ी क्यूट होते हैं, मैंने आज तक ज़्यादा देखा नहीं इन्हें। और ये रहे थोड़े शुगर केन्स, जहाँ भी मिले ले लो। और ये क्यों वियर्ड है, डोंट नो वाई, बट ये वियर्ड था। और एक और बात, आप में से बहुत लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कौन सा टेक्सचर पैक यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देख लो, मैं दिखा देता हूँ रिसोर्स पैक में जाके, असैसिन पिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसमें मेरा कुछ भी कुछ नहीं बनाया मैंने, असैसिन का पैक है, जाके उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, वेबसाइट से उसकी वीडियो देख लो, जो चाहिए वो कर लो। बट यार मैं कोई नया यूज़ नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है एकदम नया सा आ गया। और अभी तो हमें एक ही चीज़ नई सी चाहिए, जो है न्यू स्ट्रक्चर्स, बाकी हम ये आइस के बीच में फंस चुके हैं। हमें ज़्यादा करके न्यू स्ट्रक्चर्स प्लेन्स में मिलेंगे, नेदर में मिलेंगे, नेदर में एक दो स्ट्रक्चर्स हैं, और हवे में भी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। यस, और मतलब डंजन्स भी है, नए नए डंजन्स इसने ऐड किए, और ये सब मतलब ये जो भी चीज़ें ये सिर्फ वर्ल्ड जनरेशन में आती है। तो आपको टेंशन नहीं है कि कोई वर्ल्ड वो देगा,
उसी में खेलना है, ऐसा नहीं है। और हमें 3 गोल मिल चुके हैं, थैंक यू शिप। ओ बेचारी खुद ही मर गई, सो सैड ना। और मैंने अभी तक स्टोन के टूल्स छोड़ो कुछ भी टूल्स नहीं बनाए, मुझे तो अभी न्यू सभी एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है। और अगर मैं कुछ और बताऊँ तो इसमें एक्वेटिक मतलब ओशन में भी बहुत सारी न्यू चीज़ें इसने जनरेशन में डाली है, तो ऐसा नहीं है। न्यू मॉब सिर्फ डेजर्ट में है और वहाँ पे एक नया तरह का टेंपल डाला है इसने, तो उसमें न्यू मिलेगा। ओ वहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, क्या वो रुइन है? रुइन है वो। तो अगर वो है तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी लूट मिल सकती है, क्या हमें मिलेगी? और वहाँ पे राइट में, ओ भाई अच्छा, ये न्यू स्ट्रक्चर है। ओ माय गॉड, ये न्यू स्ट्रक्चर है। देखो गाइस, मैंने पहले ही न्यू स्ट्रक्चर ढूंढ लिया, नाइस वन। और ड्राउनेट दिख रहे मुझे कोई, थोड़े से सांस ले लेते हैं और फिर देखते हैं नीचे जाके क्या है इधर पे। ओके, मुझे नहीं लगता चेस्ट वगैरह है क्या इधर पे, चेस्ट नहीं है, चेस्ट तो नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर टाइप है जहाँ से हम सी लैंटर्न चुरा सकते हैं ऑब्वियसली। और बाहर, ओके थैंक यू। ये रहा एक और स्ट्रक्चर जहाँ पे कॉन्डविट नहीं लगा है भाई, ये ड्राउनेड है, ड्राउनेड स्पॉनर। ओ माय गॉड, ये ओ ट्राइडेंट वाला मेरे को मारा, वो देखो ट्राइडेंट, वो नहीं मैं मर जाऊँगा अगर ट्राइडेंट उसने एक और फेंका, मैं मरा। मैं जा रहा हूँ सबसे पहले सोने, मुझे सबसे पहले सोना है, भागो। भाई साहब क्या सोचा था, क्या निकला वो देख लो भाई, ऐसे ऐसे होते हैं, खेलने से पहले 100 बार सोच लेना। वो माउंटेन्स है वहाँ पे जाके, मतलब ये हमें प्लेन्स दिख रहा है सामने, हम वहाँ जाएंगे। यस, सबसे पहले हमें सोना है। तो वो विलेज दिखा, क्या वो विलेज है या तो कुछ स्ट्रक्चर है, आई थिंक सो कोई स्ट्रक्चर है वो। और देखो एक और चीज़ राइट में हमारे, सबसे पहले सुबह उठेंगे फिर दिखाता हूँ। इट्स क्रिएट आवर फर्स्ट बेड ऑफ दिस मॉडर्न सर्वाइवल सीरीज, सबसे पहले सो जाते हैं। और लेफ्ट में हमें फिर भी दिख रहा है कुछ नई सी चीज़, और मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ क्या है, तो मेरे साथ ये ले लेता हूँ। गाइस इसे कहते हैं ऑरेंज ट्री, देख रहे हो इसके नीचे ऑरेंज लटक रहा है, और कहीं से ओके ऑरेंज लटक रहा है, और मैं इसे तोड़ता हूँ वैसे मुझे ऑरेंज मिलेगा। देखो तोड़ते ऑरेंज गिरेगा, नाइस ना। और ऑरेंज को हम खा भी सकते, ये न्यू फूड है, देख सकते हो मुझे 2 का रीजनरेशन देगा, और दिखने में कितना मस्त दिख रहा है यार, लिटरली मैं पूरा पेड़ लेके जाऊँ। और ऑरेंज ट्री सैपलिंग भी है, लॉल हर एक से ऑरेंज मिलेगा, और सैपलिंग मिलने के भी बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है, जैसे कि आपने देख ही लिया। तो फूड सोर्स, एक नया फूड सोर्स पता है ना, एक नहीं है काफ़ी सारे नए फूड सोर्स हैं, और बस बाकी इसमें कुछ नहीं है, देख सकते हो सैपलिंग्स मिलेंगी और ऑरेंजेस मिलेंगे हर एक, मतलब जो भी लीव्स तोड़ोगे हर एक से मिलेगी, तो आगे चल के हम इसका फार्म भी बना सकते हैं। लेकिन ये एफिशिएंट फूड सोर्स नहीं है, ऑरेंजेस होंगे भी नहीं वैसे ऑब्वियसली। अभी हम ट्री तोड़ लेते हैं। और ये रहा एक और चीज़, ये बुश है, जैसे कि आपको जो सिर्फ जंगल में देखने को मिलता है नॉर्मल वैनिला माइनक्राफ्ट में, तो वो अभी ऐसे नॉर्मल प्लेन्स में भी कहीं भी जनरेट हो जाएगी। जंगल में आपको जंगल लीव्स का देखने मिलता है, तो सेम उसी को कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और मैंने कहा था ना जैसे ग्रेवल की वैसे ही स्टोन के ऐसे मिल जाएंगे इनके बीच में कुछ। ओ माई गॉड, क्या ये विदर का एरिया है? यहाँ पे विदर स्पॉन होने वाला था, मैं तो अभी अभी आया हूँ और मेरे पास सिर्फ ऑरेंज है, मैं क्या विदर स्पॉन करूँगा गाइस? मुझे विदर का ये जगह मिल गया और यहाँ पे मैं विदर स्पॉन करूँगा, मेरे पास कुछ भी स्कल वगैरह नहीं है, बाकी हम इसे चुरा के लेके जा सकते हैं। और ये अबंडेड विलेज मिला मुझे, और ये कुछ नया स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एक नया स्ट्रक्चर है, काफ़ी कुछ देखने मिलेगा यार हमें इस सीरीज में। सबसे पहले थोड़े से वो क्या है मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, ज़रा भी नहीं दिखाऊंगा, अब तो ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए ही होगा, वो जो भी है हम वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए मैं इधर पे चेक कर लेता हूँ, और अगर आपको देखना है वो क्या है तो नेक्स्ट एपिसोड में आ जाना देखने। इसको तो डंडा ही मारूंगा, डंडा ले। और तुम्हारे पास बेड था और तू ज़ॉम्बी विलेजर, अरे भाई साहब मर जा। और इधर बेड भी है जिसका मैं क्या करूँगा, ओ खाना मिल गया, ओ भाई साहब खाना। एप्पल क्या करेंगे, हमारे पास तो अभी ऑरेंज है गाइस, हमें
एक बहुत ही रेयर स्ट्रक्चर मिला है जो माइनक्राफ्ट का ही रेयर स्ट्रक्चर है, ब्लैक स्मिथ का घर। क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो ब्लैक स्मिथ का घर बहुत ज़्यादा रेयर होता है माइनक्राफ्ट के अंदर ही। नॉर्मल माइनक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल माइनक्राफ्ट में ही ब्लैक स्मिथ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, इनके घर को थोड़ा ये तो नहीं तोड़ता हूँ यार, मैं इधर रह सकता हूँ बेसिकली, तो मैं थोड़ी सी माइनिंग कर लूँ सबसे पहले। तो सबसे पहला काम ये बनाएंगे और स्टिक्स और थोड़ा सा पिकैक्स बना लेते हैं। ये पिकैक्स अब फेंक देना है क्योंकि हाँ, अगर सर्वाइवल सीरीज भी कर रहा हो तो आपको एक गाइड दे देता हूँ कि कभी भी अगर नॉर्मल माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो सिर्फ पिकैक्स बनाना वुड का, बाकी चीज़ें आप वुड की कभी यूज़ नहीं करोगे, बिलीव मी आप कभी यूज़ नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने यूज़ कर लिया तो बताना, क्योंकि आप बहुत जल्दी स्टोन की एज पे ही पहुँच जाओगे तो आप क्यों ही यूज़ करोगे। ओके, और एक्स आपके एज ये भी काम आ जाएगी, स्वॉर्ड। और ये मिल गया हमें ब्लैक स्मिथ का घर, और एक ग्राइंड स्टोन है अगर किसी को नहीं पता तो। मेरे ख्याल से मॉडर्न सीरीज देख रहे हो तो शायद से पता ही होगा। क्या मिला हमें, क्या मॉडर्न सीरीज के पहले एपिसोड में डायमंड्स, वो भी दो, जिससे मैं स्वॉर्ड बना सकता हूँ। यार ये बहुत कुछ कर सकता हूँ, डायमंड्स पहले एपिसोड में डायमंड, सोच लो अभी क्या 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 ही करूँगा मैं, तबाही मचाऊंगा ये मॉडर्न सर्वाइवल में। और इसमें आगे और भी एड ऑन्स आ सकते हैं, मैं ऐड करके और भी इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि यार बिहेवियर पैक चेंज करना रहेगा और कुछ नहीं। डायमंड्स मिल गए यार, इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। देखो आयरन पिकैक्स, ओ माय गॉड, मुझे पिकैक्स की भी ज़रूरत नहीं थी। बाय द वे आयरन पिकैक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने का, क्योंकि मतलब हम उसे वेस्ट ना करें आयरन पिकैक्स को, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अभी मुझे थोड़ा सा डिसेंट सा आर्मर मिल गया है, ताकि मैं वो बिल्डिंग पे अगले एपिसोड में, यस इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में वो साइड पे जो बिल्डिंग है उस पर रेड कर सके। और फर्नेस देख रहे हो हमें यहीं पे मिल गया है, हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं यार, क्या ही बोलेंगे, कूल चीज़। और यहाँ से भी हमें वो बिल्डिंग दिख रही है। मुझे लगता है बहुत लोग गैस भी कर लेंगे जो खेलते होंगे, या तो मेरा देख के खेल रहे होंगे, वो लोग गैस कर लेंगे वो क्या जगह है, बट वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए अभी तो नहीं जाऊँगा। और भाई साहब तुम इधर कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। ओके, मैं इधर पे ना अपना ये सर्वाइवल बोल रहा हूँ, लॉल, अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट कहीं पे सेट कर लेता हूँ, वरना किसी जगह पे मैं मर भी गया ना, हो गया कांड हो जाएगा। ओके, मर गया ना ये। ओके, यहाँ पे सारा कर लिया सेट, और अभी थोड़ा सा माल पानी निकाल के। ओ, एक और ब्लैक स्मिथ का घर है, और इसके जज पीछे ही वो बिल्डिंग है, इसलिए मैं सीधा दिखा रहा हूँ आपको। देखो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ, और एक कोल्ड्रन वाला घर। भाई ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है, देख रहे हैं यहाँ पे लेदर का आर्मर मिलता है, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हम रख देंगे। ओके भाई, बहुत ही रेयर चीज़ें मिल रही है। और मैं लेफ्ट में नहीं मुड़ रहा, ज़रा भी नहीं मुड़ना है, क्योंकि अगर मुड़े तो सब रिवील। ऑब्सीडियन, तीन ऑब्सीडियन, भाई साहब पहले एपिसोड में क्या क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे और डायमंड मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता। मैंने क्या किया ये, चलो ये कर ही देते, मैं लिटरली बोल रहा हूँ ये सीड अमेजिंग से भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ ये विलेज में तीन ब्लैक स्मिथ का घर है। और सोचो तीनों में, यहाँ पे देख रहे हो अभी वो भी दिख रहा है, तीनों में अगर डायमंड होता तो क्या होता भाई साहब। फिलहाल के लिए है तो नहीं तीनों में डायमंड, बट यार अगर होता तो कितना मज़ा आता ना भाई। मैं सीड तो लेकिन बहुत ही लेट रिवील करूँगा यार, आपको भी तड़पाना ज़रूरी है, ऐसे ही थोड़ी आप भी हमें सब्सक्राइब नहीं करते तो हम भी जल्दी नहीं देंगे, कुछ भी रिवील नहीं करूँगा मैं जल्दी। सब्सक्राइब करो सबसे पहले कुछ भी चाहिए तो, और इसमें डायमंड निकालना प्लीज़। ओके, दो डायमंड और आयरन हॉर्स आर्मर, नाइस वन। आयरन इनगट, आयरन की स्वॉर्ड मिल गई हमें, यह सबसे अच्छी चीज़ तो मिली गई, अब क्या ही रिग्रेट करेंगे हम, किसी भी चीज़ को क्यों रिग्रेट करेंगे हम ना, क्या ही बेस्ट एपिसोड जा सकते हैं किसी का फर्स्ट वाला। और मुझे लग रहा है ये कोई नया स्ट्रक्चर है क्या, नहीं नहीं ये तो उसका ब्लास्ट फर्नेस वाला घर है। ओके, कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं है ये। एंड ये कार्टोग्राफी, भाई बहुत ही तगड़ा मिला है सीड पेपर का, क्या ही करूँगा।
कार्टोग्राफी टेबल, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है अगर आपको नहीं पता तो, ये घर को क्या हुआ पड़ा है। और जहाँ पे भी विलेज में सबसे अच्छी बात यही होती है, कहीं का भी विलेज हो, माइनक्राफ्ट का हो या मॉडेड का, हे बेल मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। निकाल लो हमेशा इसे, हमेशा निकाल लो। और मैं क्या सोच रहा हूँ, यहीं पे अपना थोड़ा सा सेटअप करके यहीं पे एक दिन के लिए तो रह ही लेते, क्योंकि उसके बाद तो हमें जाना है नेक्स्ट वाली जगह पे। तो अभी के लिए हम यहाँ का थोड़ा कॉबवे वगैरह निकाल लेंगे और यहाँ से भी, और शुरू शुरू में हमें क्या देखने मिलता है, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम इससे। विलेज में आए और ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, बट तुझे जाना 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 होगा। यस, ओके, इसे दो लीड दे दी। बस आज के लिए वीडियो का सारा चीज़ सक्सेसफुल हो चुका है, हमें काफ़ी कुछ मिल चुका है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या करना है वो तो आपको पता ही है, बस स्टे ट्यून कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। पहले एपिसोड में डायमंड मिलना इज नॉट अ जोक, जो कि हमने ढूंढ लिया है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में आपको नहीं पता, तो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है हम उसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मॉडर्न सर्वाइवल सीरीज के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव दे सकते हो, और मैं ऑब्वियसली अगर आप कुछ एड ऑन्स देते हो जो काफ़ी अच्छे हैं और वो पूरे डेवलप्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं बीटा का दोगे आप तो मैं नहीं डालूंगा वो बीटा वाले, अगर अच्छे डेवलप्ड वाले एड ऑन्स हैं तो मैं वो ज़रूर डालूंगा और मैं उसे अप्लाई भी करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एंड होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आना तो चाहिए। और काफ़ी ओपी सीड मिला है, रैंडम सीड है, मैंने यहाँ तक कौन सी सीड डाली मैंने, बहुत ही रैंडम है। और ये जो भी सीड वगैरह है ये रिवील तो मैं बहुत बाद ही में करूँगा। इस विलेज में तीन तीन ब्लैकस्मिथ के घर इज़ नॉट अ जोक अगेन। तो अभी ये सब डिंगे हाँक के अगर हो गया है मेरा तो सब्सक्राइब भी कर लेना आप अगर सुन चुके हो तो, लाइक कर देना, बाकी आपको पता है एज ऑलवेज टाटा बाय बाय।